आजा कैसे ये मशीन देख रहे हैं यहाँ पे कॉफी का रोस्टिंग मशीन ऑपरेट किया जाता है वाला मशीन आपको एलपीजी सिलेंडर और आपका इलेक्ट्रिसिटी का मदद से गैस का फ्लेम का इसके ऊपर यहाँ पे अंदर में एक स्टील ड्रम गोल गोल घूमता है थोड़ा आगे आ जाए यहाँ पे आपको क्लियर यहाँ पे दिख रहा है ना इसके अंदर में कॉफी को रोस्ट किया जाता है। सबसे पहले कॉफी को पेड़ में से तोड़ने के बाद उसका कलर ऊपर पोस्टर में देखो लाल रंग में दिखेगा और उसके ऊपर छिटे को हटाने के बाद में अंदर में कॉफी का आपको दाना निकलता है जिसे आपको हरे रंग में रहता है ग्रीन कलर में रहता है। इसको कॉफी का रॉ बीन्स बोल के नहीं तो अनरोस्टेड बीन्स बोल के बुलाते हैं जिसे इसको ऊपर वाले हिस्से से डालने के बाद कॉफी का बीन्स सारा यहाँ पे अंदर में रहना के स्टोर होता है। जैसे गैस का फ्लेम के ऊपर वाला अंडर में स्टील ड्रम होता है ना गोल गोल घूमता रहता है तो ड्रम का हीट का वजह से कॉफी यहाँ पे रोस्ट होता है। 80 डिग्री सेल्सियस का हीट टेम्परेचर एंड 112 फारेनहाइट में लाइट मीडियम एंड डार्क रोस्ट के कॉफी को तीन अलग अलग वैरायटी में रोस्ट किया जाता है क्योंकि कैफीन का कंजप्शन होता है ना ज्यादा मात्रा में लोग पीने से डरते हैं मतलब कैफीन को कंजप्शन करने के लिए तो इसीलिए कॉफी को तीन अलग अलग वैरायटी में रोस्ट किया जाता है। कॉफी को डाल के आप उसको 20 मिनट के लिए रोस्ट करोगे तो कॉफी का ग्रीन कलर का बीन का कलर लाइट येलो कलर में टर्न होगा और उसको पाउडर करने के बाद कॉफी का पाउडर का कलर व्हाइट कलर में दिखता है क्योंकि हम लोग इसको यहाँ पे ग्रीन कॉफी नहीं तो व्हाइट कॉफी बोल के बुलाते हैं जिससे वाला कॉफी आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करता है और आपको एंटीऑक्सीडेंट को रिलीज करता है तो वेट लॉस करने के लिए माइग्रेन प्रॉब्लम को कंट्रोल करने के लिए और आपको डायबिटीज के लिए सबसे बढ़िया कॉफी होता है आपको ग्रीन कॉफी विदाउट शुगर विदाउट मिल्क 65 डेज के वाला कॉफी को पानी में बॉइल करके आपको रेगुलरली पीना पड़ता है। आप 20 मिनट का देखो कॉफी को आप 40 मिनट के लिए रोस्ट करते हो तो कॉफी का बीन्स का कलर पूरा सा चेंज हो गया लाइट ब्राउन कलर में आपको दिखता है जिससे हम लोग इसको मीडियम रोस्टेड कॉफी का बीन्स बोल के बुलाते हैं। कॉफी का बीन्स को टेस्ट कर सकते हैं और कॉफी का बीन्स आपका हार्ट रेट डाइजेशन के लिए सबसे बढ़िया होता है और कॉफी का 70% का फ्लेवर टेस्ट आपको आपको मुंह में पता लगता है। इसमें स्मेल नहीं आता है स्मेल कम में रहता है और आपको कैफीन परसेंटेज भी इसमें थोड़ा सा आपको माइल्ड रहता है। और कॉफी को 1 आवर के लिए आप रोस्ट करते हो ना तो कॉफी का बीन्स का कलर पूरा सा चेंज होता है डार्क कलर में आपको टर्न होता है इसको बुलाते हैं डार्क में तो चारकोल रोस्टेड बीन्स बोल के बुलाते हैं। बड़ा बड़ा परफ्यूम के शॉप में जाते हो ना तो परफ्यूम के स्मेल को सारा न्यूट्रलाइज करने के लिए कॉफी का रोस्टेड बीन्स रहता है बस इसका इस्तेमाल ब्लैक कॉफी कैपुचिनो एस्प्रेसो एंड अमेरिकनो जैसे कॉफी बनाने के लिए अगर डार्क रोस्टेड बीन का इस्तेमाल आपका सबसे ज्यादा किया जाता है जिससे आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करता है। और इस तरह कॉफी यहाँ पे आपको लाइट मीडियम एंड डार्क रोस्टेड कंप्लीट होने के बाद कॉफी कितना टेम्परेचर पर रोस्ट कर रहे हैं तो चेक करने के लिए कॉफी का एक सैंपल टेस्टिंग स्पून होता है इसका मशीन में चेक करके वाला डोर को हम लोग ओपन कर देते हैं ना तो कॉफी का बीन्स सारा नीचे ना के स्टोर होता है जो कि कॉफी का कूलिंग पार्ट है जो कि 25 मिनट से लेकर 30 मिनट के लिए कॉफी का बीन्स को पूरा सा ठंडा करने के लिए मशीन का इस्तेमाल आता है वो आ जाता है। और ऐसे कलेक्ट करने वाला कॉफी का बीन्स को किधर है चलो मशीन में डाल के हम लोग इंस्टेंट एंड फिल्टर बनने के लिए मतलब पाउडर बनाने के लिए मशीन को ग्राइंडर होता है जो कि यहाँ पे अंदर में एक क्रशिंग स्टोन है जो कि ऑपरेट होता है वाला स्क्रू का मस है इसको आप जितना टाइट करते हो इसका स्टोन जो रहता है आपस में जुड़ जाता है तो आपको फाइन पाउडर मिलता है कॉफी का जो कि इंस्टेंट कॉफी के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसको जितना आप लूज करते हो तो पत्थर सारा से बिखर जाता है तो कॉफी का आपको ग्रैनुलर पाउडर मिलता है जो कि इंस्टेंट एंड फिल्टर के लिए वाला मशीन का 2-in-1 मशीन बोल के बढ़ता है। एंड कॉफी का पाउडर बनने के बाद होता है ना आपको कॉफी का पाउडर का एक्जैक्ट कलर आपको गोल्डन ब्राउन कलर में मिलता है एंड वाला कॉफी का पाउडर आप अपना हाथ में डाल के हार्डली प्रेस करने से चिपकता नहीं बल्कि बहुत जल्दी फिसल जाता है। लेकिन मार्केट में सारा इंस्टेंट कॉफी बनाना होता है मतलब इंस्टेंट कॉफी बोले तो अरेबिका कॉफी बहुत महंगा रहता है ना तो उसका प्राइस को सस्ता करने के लिए एंड कॉफी आपको मेल्ट करने के लिए जिस तरह बोर्नविटा एंड हॉर्लिक्स में सारा कैरामेल को ऐड किया जाता है ना उसी तरह कॉफी में अडल्ट्रेशन करने के लिए बोलते कॉफी को मेल्ट करने के लिए प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल करते हैं जो कि उसको चिकोरी बोल के बुलाते हैं जैसे चिकोरी का पाउडर बोलते हो चिकोरी का पाउडर को आप अपना हाथ में डाल के इसको हार्डली थोड़ा सा प्रेस करने से आपका हाथ में चिपक जाता है नहीं तो आपका मतलब आपको ब्रू नहीं तो इसका पे 700 पैकेट सारा है कि 15-20 मिनट के लिए कूलर रखने से जम जाता है क्यों आपको जमता है बोलते हैं स्पेशली चिकोरी का आपको देखने के लिए मिलता है लेकिन साउथ उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात एंड मध्य प्रदेश में एक प्लांट आता है प्लांट का स्टेम और उसका रूट्स को लोग कट करके रोस्ट करके पाउडर करके उसको कॉफी मिक्स करने के लिए उसका इस्तेमाल आपको करते हैं लेकिन दोनों को ब्लेंड करने के लिए यहाँ पे एक ब्लेंडर है मतलब कॉफी का प्रेस को सत्ता करने के लिए चिकोरी का इस्तेमाल किया जाता है जैसे चिकोरी को एंड कॉफी को मिक्स करने के लिए वाला मशीन का इस्तेमाल करता है जो कि कॉफी का ब्लेंडर होता है एंड हम लोग चिकोरी का सब्स्टिट्यूशन में अरेबिका एंड रोबस्टा कॉफी को एक साथ में वाला मशीन में डाल के रोस्ट करके पाउडर फॉर्म करने के बाद वाला मशीन को यहाँ पे ब्लेंड करने के लिए इसका इस्तेमाल यहाँ पे करता है एंड वाला कॉफी को बनने के बाद 100% प्योर कॉफी बोल के बनाया जाता है। टेस्ट कीजिए ये 100% प्योर कॉफी है अरेबिका और रोबस्टा कॉफी को मिक्स करके आपको बनाया बना के बनाया इतना सुना है कॉफी के बारे में भी तो पीना पड़ेगा पीने पड़ेगा ओ पीते गिरा अच्छा आ जाए ले पोटस चीनी वाला है बिग जिन तेरी डाइट गई कॉफी टेस्ट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कॉफी स्पाइसेस चॉकलेट हनी वाइन सिल्क कैंडी क्राफ्ट हर एक चीज के बारे में आपको बता के देगा चाहे तो आप कोई चीज भी कर सकते हैं। थैंक यू सर थैंक यू फॉर कॉम्प्लीमेंट्री शुरू करता थैंक यू ग्रीन कॉफी ये मुंह मार दे रहा